कई ऐसे खाने जो बड़ी शांति देते हैं स्पेशली जब बेक्ड हो और उसके अंदर चॉकलेट हो और मीठा हो मैं बात कर रहा हूँ चॉकलेट ब्राउनीज़ की चाहे अब उसमें वॉलनट डाला हो ना डाला हो लेकिन ब्राउनीज़ एक ऐसी डिश है एक ऐसा डिजर्ट है जो सबको पसंद आता है इट्स वेरी कंफर्टिंग एक्चुअली तो मेरी जो रेसिपी आज की सबसे पहले तो वो आसान है एक ही बोल के अंदर तैयार हो जाएगी एगलेस है एंड एट द सेम टाइम अवन की ज़रूरत नहीं है घर पर अगर कढ़ाई है आपके कढ़ाई में भी बन जाएगा जी हाँ चलिए बनाते हैं चॉकलेट ब्राउनीज नाउ चॉकलेट ब्राउनी के लिए हमें सबसे पहले इंतजाम करना डबल बॉयलर का डबल बॉयलर क्या होता है देखिए दो हैं डबल बॉयलर नीचे पानी बॉयल हो रहा है ना होता क्या है डबल बॉयलर क्या चीज होती है कि आप ये जो बोल है कांच का या कोई भी आप स्टील का बोल लेते हैं ये आप इस तरीके से रखते हैं और हाँ ये नीचे से पानी की तरफ जो है टच नहीं हो रहा सिर्फ भाप लग रही है उसकी मतलब जेंटल हीट पे ये गर्म हो रहा है ना डबल बॉयलर में हम लेंगे डार्क चॉकलेट सो इन गोज हमारी चॉकलेट और इसके अंदर जाएगा बटर सो इन गोज बटर है अब डबल बॉयलर पे उसकी जेंटल हीट के ऊपर हमें चॉकलेट और बटर को मेल्ट करना है अगर आप चाहें तो इसे आप माइक्रोवेव uh, भी कर सकते हैं बट पी केयरफुल चॉकलेट बहुत ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए जेंटल हीट इज वॉट इट नीड्स ये है बटर पेपर वन वे एंड अदर वे इससे ये अच्छे से कवर हो गया नाप लेके आप काट सकते हैं और राइट right, ये पिघल गया गैस को करेंगे बंद आई विल जस्ट रिमूव इट यू गो लुक एट दैट नाइस एंड क्रीमी नाउ वाइल इट इज स्टिल वार्म इसमें हम डालेंगे चीनी चीनी अगेन मैं बारीक दाने वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बारीक दाना है ये जल्दी पिघल जाएगा इसके अंदर इस वजह से ये एगलेस है इसलिए इसके अंदर हम अंडा नहीं डाल रहे अंडे को हम रिप्लेस कर रहे हैं दही से ये दही है ये दही अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑल ऑफ इट अगर आप विद एग बना रहे हैं, इस स्टेज पे आपको एक एक करके करीबन तीन अंडे इसमें डालने हैं होल एग्स इसमें हम डालेंगे वेनिला एक्सट्रैक्ट अब हम इसमें डालेंगे मैदा बेकिंग पाउडर और यह है कोको पाउडर इन तीनों को हम छान लेंगे और छान कर हमारे मिक्सचर में डालेंगे इसे अच्छे से छान लेंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे ऑल ऑफ इट अच्छे से मिक्स करना है इसे इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर वॉलनट्स अगर आपको वॉलनट्स पसंद नहीं है यू कैन अवॉइड इट आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं काजू भी डाल सकते हैं इट्स ऑल अप टू यू एंड ये सारे का सारा बैटर इसमें जाएगा ऑल ऑफ इट दैट ब्यूटिफुल डार्क चॉकलेट बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी और अब तक कितना आसान था इसके बाद भी आसान हैल ये अब हम फैला लेंगे टू द कॉर्नर एंड देन जस्ट स्प्रेड इट इसे इसीलिए टैप कराएं ताकि एक तो एडजस्ट तक ये पहुंच जाए दूसरा अगर कोई एयर पॉकेट है वो निकल जाए ये तैयार है इसे आप ऑवन में डाल सकते हैं करीबन 180 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस पर उसके बीच आधा घंटा इज मोर देन अ आधे घंटे के बाद जब आप इसके बीच में नाइफ डालेंगे अगर वो क्लीन निकलता है मतलब तो तो आपकी ब्राउन तैयार ऑल्टरनेटिवली अगर आपके पास अवन नहीं है तो अब आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं सिंपल है देखिए ये है अपनी कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है नमक आप देख रहे हैं नमक जो है थोड़ा सा ब्राउनिश है इसके अंदर कुछ कुछ कण भी गिरे हुए हैं एक्चुअली एक कई बार मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नमक जो है ना वो ब्राउन हो जाता है मतलब इस नमक को आपको फेंकना नहीं है बार बार काम आएगा बेकिंग के लिए चाहे वो पिज्ज़ा है या फिर आप केक बना रहे हैं पेस्ट्रीज बना रहे हैं जो भी मतलब बेकिंग का काम है उसके लिए नमक काफ़ी गर्म हो जाता है इसलिए एक रिंग या फिर आप कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा ये जो मोल्ड है ब्राउनी का ये नमक के कांटेक्ट में ना आए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नमक के कांटेक्ट में आता है ब्राउनी जल सकती है और अब इसे हम ढक देंगे गैस को करेंगे ऑन और इसे हमें पकाना है करीबन आधे घंटे के लिए इन हाफ एन आवर यह तैयार हो जाएगी जब तक यह तैयार होती है चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ देखिए जब भी हम ब्राउनी बनाते हैं कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है पहली बात का ध्यान रखना है कि ब्राउनी केक नहीं है केक ब्राउनी नहीं है मतलब ब्राउनी फ्लैट होता है ज़्यादा राइज नहीं करता जैसे कि स्पंज केक करता है इसीलिए जब भी हम ब्राउनी को बेक करते हैं एक खुले बर्तन में बड़े बर्तन में करते हैं और उसकी जो हाइट होती है वो यूजली एक से डेढ़ इंच बैटर की ताकि बनने के बाद वो डेढ़ से दो इंच के ऊपर ना जाए एट द सेम टाइम अगर आप चाहें चॉकलेट ब्राउनी के अंदर अपने पसंद के नट्स या फिर स्पाइसेस डाल सकते हैं स्पाइसेस जैसे कि इलायची हो गई या फिर लौंग हो गई दालचीनी हो गई इट्स अप टू यू जब भी ब्राउनी को बेक करके मोल्ड से बाहर निकालते हैं उसे हमें रेस्ट देना है ताकि वो ठंडा हो जाए और हाँ ब्राउनी काटने से पहले अगर आप उसे एक से दो घंटे फ्रिज में रख सकते हैं दैल बी द बेस्ट ऐसा करने से ब्राउनी के जो हम स्क्वेयर्स काटते हैं परफेक्टली कटेंगे विदाउट एनी ट्रिमिंग्स और वेस्टेज जब भी हम कढ़ाई के अंदर नमक डालकर बेक करते हैं मेक श्योर कि जो मोल्ड है वो डायरेक्टली सॉल्ट के कांटेक्ट में ना आए इसलिए हम एक रिंग या फिर कटोरी डालते हैं अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा केक जल जाएगा बेकिंग एक बार आपकी कंप्लीट हो जाती है नमक काफ़ी गर्म होता है प्लीज़ बी वेरी केयरफुल उसे टोटली ठंडा करना है उसके बाद किसी डब्बे में भर आप रख सकते हैं क्योंकि उस नमक को हम बार बार री कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं बहुत बढ़िया बनते हैं अगर आप एडवांस में ब्राउनी बना के रखना चाहते हैं कर सकते हैं ब्राउनी एक बार बेक हो गई ठंडी हो गई उसे आपको एक अच्छे तरीके से रैप करने के बाद डीप फ्रीज करना है डीप फ्रीज आपने कर दी डेढ़ से दो महीने तक आप उसको रख सकते हैं जितना चाहिए उतना पोर्शन काटा थोड़ी देर उसको वार्म किया चाहे अवन में चाहे इन अ माइक्रोवेव और उसे आप सर्व कर सकते हैं ब्राउनी को सर्व करने का बेस्ट तरीका है उसके ऊपर वेनेला आइसक्रीम चॉकलेट सॉस नट्स और फ्रूट्स बढ़िया कॉम्बिनेशन है हां ब्राउनी शुड बी वार्म आइसक्रीम शुड बी फ्रोजन चलिए चलते हैं ब्राउनी की तरफ टाइम टू रिवील लुक दैट इवन है थोड़ी सी राइज होके वहीं पे रुक गई केक की तरह फूली नहीं एकदम परफेक्ट बेस्ट रहता है कि आप नाइफ लेकर इस तरीके से उसके सेंटर में अगर आप डालते हैं अगर नाइफ क्लीन निकलता है मतलब ब्राउनी तो तैयार कच्ची नहीं है अगर ये कच्चा होगा तो वो कच्चा बैटर इस पर लग जाएगा दैट्स अ गुड वे टू टेस्ट एनी केक रिमूव दिस इनफैक्ट वैलेंटाइंस पे अगर आप लोग देख रहे हैं स्पेशली द मैन इन द हाउस अगर ये आप बेक करेंगे ना आपके वैलेंटाइन इज हंड्रेड परसेंट गोइंग टू बी बोल्ड ओवर This looks beautiful. Murray chocolate brownie, done.